दुर्घटना टोइंग की वजह से एक व्यक्ति को हॉस्पिटल में पहुंचना पड़ा, क्या कहेंगे? देखिए, जो उल्लासनगर में ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उनकी मैंने एक 10 दिन पहले भी मैंने मीटिंग ली थी और उनको कहा था कि ये जो गाड़ी उठा रही है, आपकी गाड़ियाँ चलती है, जो स्कूटर रोड पे खड़े हैं और उनको जो टोइन वाली गाड़ी है वहाँ से उठ के उनके आदमी लोग आके झटके से उठा के आके टोइन गाड़ी में रखते हैं, किसकी गाड़ी डैमेज होती है, किसका कार टूटता है या किसी का बोनट वगैरह, तो उसको देखते हुए मैंने उनको 10 बार ट्रैफिक डिपार्टमेंट को कहा है कि ये टोइंग वाली गाड़ी बंद कर दीजिए, क्योंकि ये जो बच्चे लोग वहाँ पे शरारती लोग बैठते हैं वो ऐसा समझते हैं कि कलेक्शन करनी है, हालांकि वो शहर के लिए हम भी जानते हैं ज़रूरी भी है, लेकिन एक तरफ डिसिप्लिन न होने के वजह से कहाँ पे भी अगर टोइंग की गाड़ी रहती है वहाँ पे अलाउंसमेंट होती है कि आप अपनी रोड पे गाड़ियाँ मत रखिए। हमारे उल्लासनगर में सिस्टम नहीं है पार्किंग का भी, क्योंकि पार्किंग की जगह नहीं है। आज आदमी अगर हॉस्पिटल में जाएगा या बैंक में जाएगा या मेडिकल स्टोर में जाएगा, ऐसी ऐसी हमारे पास शिकायतें आती है। आज मेडिकल स्टोर में आदमी दवाई लेने के लिए जाते हैं, अभी इमरजेंसी में आज किसके घर में कोई बीमारी रहती है या कोई हॉस्पिटल में है, अगर मेडिकल स्टोर में गया थोड़ा गाड़ी लगा के फटाफट जाता है, सोचता है कि दवाई लेके मैं अपने जल्द इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए पहुंचूं, किसके घर में कौन बीमार रहता है कौन क्या रहता है, लेकिन वो तो छोड़ दिए। कोई बैंक में पैसा निकालने को जाएगा, कोई रखने को जाएगा या कहाँ पे भी दुकानदार लोग के पास कोई रख के 2 मिनट मिलने को जाएगा, टोइंग की गाड़ी आएगी फटके से झटके से उठा के गाड़ी में डाल देते हैं और फिर जाके जमा करते हैं, फिर 2-4 घंटा गए कोई लेडीज़ लोग नाराज होती हैं, कोई महिला लोग, कोई बच्चे लोग, आज कोई व्यापारी, कोई सर्विस वाले, टोइंग गाड़ी की काफ़ी सारी शिकायत थी। और कल ही मैंने देखा तो एक बेचारा पेशेंट, इतना उसको धक्का लगा वो गाड़ी को बचाने के लिए, देखिए किसके किसके पास पैसे की ताकत नहीं रहती है, आज उसके लिए सब कुछ गाड़ी रहती है, उसके बगैर आदमी चल भी नहीं सकता है। अभी वो जो जिसका कल एक्सीडेंट हो गया है, वो गाड़ी को मैं ऊपर से न लेके जावे, मैंने उसका वीडियो क्लिपिंग देखा, उसका पैर उसमें जाली में अटक गया जिसके वजह से गिर गया और उसका सर फट गया। आज बहुत हमारे लिए शर्मनाक की बात है एक गाड़ी के वजह से, क्योंकि उसमें जो लड़के लोग हैं जो गाड़ी उठाते हैं उनको कदर ही नहीं है किसका भी, ऐसे गाड़ी उठाते हैं जैसा कि भाई पत्थर उठा के उधर रख दिया। आज इतनी बड़ी गाड़ी है, 2-2 लाख रुपए 1.5-1.5 लाख रुपए की गाड़ियां है, न उनको कदर है न ये है। तो मैं उसी टाइम DCP साहब से रात को मैंने बात किया विनय जी से कि ये गाड़ी टोइन की, मैंने PI को बोलिए गायकवाड़ जी को गाड़ी बंद कर दीजिए, नहीं सुन रहा है, आज अगर नहीं करेंगे मैं तो अधिवेशन चालू है LAQ डालूंगा, फिर बाद में जो भी एक्शन उठेगा फिर मैं, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया मैं कल से गाड़ी नहीं चलाऊंगा और ये गाड़ी बंद होगी। देखिए आज ट्रैफिक का हम भी चाहते हैं कि गाड़ी के बगैर नहीं चलेगा, लेकिन एक तरफ मरना है एक तरफ जीना है, ऐसी बात हो जाती है। तो मुझे उन्होंने प्रॉमिस किया कि आज से गाड़ी नहीं चलेगी। हम आम जनता को भी आह्वान करते हैं कि आप जो स्कूटर है या व्हीकल है रोड पे न लगाए, कोशिश करें कि पार्किंग ऐसी जगह पे लगाए कि जैसा किसी को और को आने जाने वाले को तकलीफ ना हो। धन्यवाद।